दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ दिल्ली पुलिस दाती महाराज के आश्रम पहुंची। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली पुलिस दाती महाराज के आश्रम पहुंची है, दाती महाराज के पाली आश्रम पहुंची है। दिल्ली पुलिस रेप पीड़िता को लेकर आश्रम पहुंची है दिल्ली पुलिस और लगातार तलाश की जा रही है, छानबीन दाती महाराज के हर आश्रम में हो रही है। और अब इसी कड़ी में रेप पीड़िता को साथ लेकर दाती महाराज के आश्रम पहुंची है दिल्ली पुलिस। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस दाती महाराज के आश्रम पहुंची है। आपको बता दें, दाती महाराज पर रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता को साथ लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी दाती महाराज के आश्रम पहुंचे हैं, पाली आश्रम दिल्ली पुलिस पहुंची है। आपको बता दें, रेप पीड़िता को साथ लेकर दाती महाराज के आश्रम पहुंची है। दाती महाराज की तलाश में पुलिस कई जगह छापे मार रही है और इसी कड़ी में दाती महाराज के पाली आश्रम दिल्ली पुलिस पहुंची है। आपको बता दें, दाती महाराज पर रेप करने का आरोप है और इसको लेकर दाती महाराज मीडिया के सामने भी आए। दाती महाराज ने जानकारी दी, लेकिन वही दाती महाराज दिल्ली पुलिस को नजर नहीं आ रहे। दिव्यांशु मल्होत्रा इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, मीडिया के सामने तो दाती महाराज नजर आते हैं, अपनी सफाई देते हुए नजर आते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस पाली आश्रम पहुंची है। देखिए बिल्कुल अनुज जी, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रही है और क्राइम ब्रांच पहले ही दिल्ली के जो आश्रम है छतरपुर में बाबा का, उस पर छापेमारी कर तमाम दस्तावेज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है युवती के साथ जिसने बाबा के ऊपर आरोप लगाए हैं उसको लेकर राजस्थान के पाली आश्रम पहुंची है और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काफी लंबा समय क्राइम ब्रांच ने उस आश्रम के अंदर बिताया है। काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस का जो खास फोकस है वहाँ की सीसीटीवी में है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो है काफी एक अहम भूमिका निभा सकता है कि अगर उसमें कोई जानकारी निकलती है। लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच की तरफ से लगातार तफ्तीश की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन दिव्यांशु, पीड़िता को साथ लेकर जाने का क्या मकसद हो सकता है दिल्ली पुलिस का? देखिए बिल्कुल अनुज जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से युवती ने साफ ये आरोप लगाए हैं कि जो राजस्थान में बाबा का आश्रम है पाली में, वहां पर कई ऐसे कमरे हैं, कई गुफाएं हैं, कई खुफिया कमरे हैं, तो ये तमाम जितनी बातें युवती ने कही हैं, तमाम जितने आरोप लगाए हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रही है कि क्या तमाम जो आरोप है वो सही है या गलत है। और यही वजह है कि लगातार युवती को साथ लेकर क्राइम ब्रांच जो है अपनी तफ्तीश कर रही है। पहले की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली का आश्रम है बाबा का, वहां पर भी युवती को जो है क्राइम ब्रांच लेकर गई थी और वहां पर भी युवती से पूछा था कि कौन से कमरे में उसके साथ दुष्कर्म हुआ। तो लगातार मकसद यही है क्राइम ब्रांच का कि तमाम जितने आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं। लेकिन फिलहाल लगातार तफ्तीश चल रही है, देखना ये होगा कि क्या कुछ सत्य आने वाले समय में निकलकर सामने आता है। चलिए, शुक्रिया दिव्यांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दाती महाराज की तलाश में दिल्ली के पाली आश्रम पहुंची है दिल्ली पुलिस, पीड़िता को साथ लेकर दिल्ली पुलिस पाली आश्रम पहुंची है जहां दाती महाराज की तलाश हो रही है।